जिद्दी दिल माने ना, इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड बेस्ड शो एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ संजना स्पेशल एजेंट. शी इज संजना कम्स फ्रॉम बुंदेलखंड. शी इज़ वेरी रफ एंड टफ. शी इज़ वेरी अक्खड़ एंड जो दिल में होती है, दिल की साफ है बहुत. सो जो दिल में होता है बोल देती है. एंड उसे वही लोग पसंद है जो क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, बहुत पैशनेट है अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने यू नो अपने काम के काम को लेकर. तो उसे भी वैसे ही लोग पसंद हैं जो इक्वली फोकस्ड हैं या उनका कुछ गोल है लाइफ में. सो व्हेन शी एक्चुअली मीट्स गंजू, सिर्फ गंजू, उसको लगता है कि ये तो टोटल ऑपोजिट है एंड इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में. तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ यू नो दे गो अहेड इन द स्टोरी. जैसा कि दिलजोत ने बताया, कैप्टन संजना ने, आई प्ले सिड गंजू, सिड जी. सिद्धार्थ बहुत ही एम नहीं है लाइफ में, कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में. ऐशो आराम में पड़ा हुआ है और उसे पसंद है, उसको उसे चेंज होना भी नहीं. बट किसी तरह वो कैप्टन संजना से मिलता है एंड उसकी लाइफ बदल जाती है. So yeah, that's Sid Ganju, and I think this is a show where everybody is a misfit. Yeah. Everybody is. हर कोई अपना अपना लक्ष्य ढूंढ रहा है यहाँ. So we are all misfits, and it's a story of us misfits against a backdrop of a training academy where we are being trained to be ready for any and every emergency in a civilian environment. Yes, yes. So that's what Ziddi Dil Maane Na is all about. मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली इन्होंने बहुत हेल्प की है, इनफैक्ट रोज़ करती हैं. प्रिपरेशन तो वैसे हर रोल के लिए होती है, बट फिजिकल ट्रेनिंग जितनी कि मैं कर रहा हूँ मैंने लाइफ में कभी नहीं की. और ऑनेस्टली आई एम सो ग्लैड दैट आई एम वर्किंग विद हर बिकॉज शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक एंड नॉट जस्ट फिटनेस विद डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में फॉर द प्रोमो, और होटल के बुफे में मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना. थैंक यू. आई थिंक दैट इज बिकॉज यू आर रिलेटिवली न्यू टू द होल लाइक यू नो द रेगुलरिटी. यस, बट आई थिंक यू आर डूइंग गुड. एंड आई फिजिकल ट्रेनिंग तो यस, मैंने भी काफ़ी यू नो आई ऑलरेडी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एमएमए एंड योगा एंड एवरीथिंग. सो संजना और दिलजोत के बीच में ये भी कॉमन है कि वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं और उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी ट्रेनिंग वी ऑल्सो डिड अ यू नो आर प्रोड्यूसर्स वर काइंड इनफ टू अरेंज अ वर्कशॉप विद मिस्टर जॉय फर्नांडिस एंड ही एक्चुअली टॉट अस अ लॉट. ही यू नो मेड अस यू नो डू लॉट ऑफ लिटिल थिंग्स दैट विल हेल्प अस लेटर ऑन टू वर्क विद ईच अदर और एज अ टीम. I think the main objective of that workshop was कि हम सब उसमें दोस्त बन गए. और मतलब हमने इतना मजा किया, काम भी किया, बट इतना हाँ इतना इतने ईज से हम सारे कम्फर्टेबल हो गए एक दूसरे से कि आजकल बड़ा ही मजा आता है. एक चीज़ और है सिड के बारे में कि वो बहुत अमीर है. बहुत अमीर, उसे जो चाहिए मिल जाता है और मतलब मांगना भी नहीं पड़ता. ऐसा बिल्कुल नहीं है कुणाल की लाइफ. आई विश होता बट नहीं. सो देयर आई डोंट रिलेट एट ऑल, बट जितना मैं रिलेट करता हूँ आई लाइक द होल लेट बैक एटीट्यूड. आई थिंक आई ऑल्सो आई एम समवेयर वेरी लेट बैक. सो या जैसे कि मैंने कहा, संजना भी काफ़ी यू नो पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर. आई एम ऑल्सो लाइक आई लाइक टू बी पैशनेट. ये एकदम संजू है, प्लीज. ये एकदम रफ एंड टफ ये है. ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है. बट जस्ट नॉट दैट लाइक शी इज़ अ लिटिल रूड, बट शी आई थिंक दैट इज जस्ट हर यू नो बाहर से रूड है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है. दैट यू विल फिगर आउट लेटर. नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए क्योंकि मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. आप एक काम करते हैं, फिर आप
See, there's a lot of factors that go into getting a show and finally being on screen. तो ऐसा भी होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है. तो और हाँ, मतलब मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी निकल जाता हूँ. इसी के साथ में सबसे दिन आने वाला है 20 तारीख को. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप जो फैंस देख रहे हैं? सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 30 अगस्त सोनी सब पर, हमसे सोनी सब पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.